देहरादून में मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2-3 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों में एवलांच जैसी स्थिति बन सकती है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चरम पर है। मौसम विभाग यात्रियों से हिदायत बरतने की अपील कर रहा है। यही है कि जैसे अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान बढ़ रहे हैं तो जो बर्फ गिरी है वो एकदम पिघलना और इनमें निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा पीछे भी जो है 3 तारीख को ये जो था तो उसमें भी या 4 को भी थोड़ा बहुत जो केदारनाथ जी के रास्ते उसमें भी जो स्नो थी पिघल के वो काफ़ी निकली है और रास्ते बंद हुए हैं। इसी तरह मीडिया में आज भी रिपोर्ट है कि जो कल आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कुछ एरिया में देखा गया है। तो जो स्नोफॉल अभी गिरी हैं जो इस 3-4 दिन की जो एक्टिविटी थी पीछे 30 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में तो वो कहीं ना कहीं वो सस्टेन तो करेगा नहीं। वो स्नो जो है जल्दी पिघलता है निकलेगा तो छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अभी भी संभावना है क्योंकि अभी पूरी तरह वो जो चीज़ें खत्म हुई नहीं है। पूरा जो बर्फबारी हुई थी वो पिघला नहीं सब जो है। छोटी मोटी चीज़ें जो है जो एवलांच वाली है वो देखने को हायर हिमालयन रीजन में कहीं कहीं पर रहेगी।